सुनो जल्दी एक चीज दिखाऊं। देखो क्या हुआ? एक लाख हुआ पति जी। सुनो देखो, तुम्हें घर से निकलने से पहले कुछ न्यूज़ दिखा के जाऊं। ये देखो गुड नाइस। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू राशी डोडा ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो अभी हो रहे हैं मॉर्निंग पे 5:15 और उठ चुकी हूँ। अभी बनाऊंगी खाना के लिए नाश्ता, लंच, स्कूल डे। और अभी मैंने अपना गर्म पानी पी लिया है मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं किचन की तरफ। सर्दियों की सुबह 5 बजे उठने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा ही, मतलब ऐसा हो जाता है कि कैसे उठे मन नहीं करता है। बट हाँ, आँख खुली और मैं फटाफट से उठ ही जाती हूँ बिना सोचे समझे। अगर मैं ज़्यादा देर लगाती हूँ ना, फिर मन नहीं करता। तो मैं उठी और मैंने गैस को पहले अपनी जो चूल्हा होता है उसको प्रणाम करा और अब अपना काम शुरू करूँगी। अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है अन्नपूर्णा देवी को प्रणाम करके किचन में एंटर करो। देन मैं यहाँ पर शुरू हो गई अपने काम में। मैंने यहाँ पर गाजर, मटर, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर सब कट कर लिए थे। मटर छिली हुई रखी थी ऑलरेडी। तो आज मैं बना रही हूँ पोहा। खाना की डिमांड थी, पोहा बनाना है और उसको एक पनीर रोल चाहिए था। तो पनीर उसको इतना वो नहीं था, उसने कहा आलू रोल चाहिए, मतलब जैसे आलू पनीर रोल होता है ना वैसा ही आलू का रोल चाहिए। तो मैंने कहा चलो दोनों चीज़ें बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी सब्ज़ियाँ कट विट करके उनकी तैयारी कर ली थी और एक में मैं मिक्सचर बना रही हूँ सब्जियों के लिए। और इसमें मैं आलू के पतले पतले स्लाइस, जैसे मैंने प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर काटे हैं, गाजर, उसी तरीके से मैं उसमें आलू भी पतले पतले काट के लच्छे उसी जैसे डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने फ्राइज टाइप से बना लिए थे, फ्रेंच फ्राइज, उनको भून लिया। और यहाँ पर मेरी चाय भी हो गई है तैयार। बच्चों को ना ऐसे रहता है टिफ़िन में ना कुछ अलग अलग दो, बट मेरा ये रहता है कि अगर उनको सुबह वो इतना खा के जाते नहीं है, तो कितना भी दे दो, बट टिफ़िन में भी अगर मैंने कुछ हल्का फुल्का दे दिया, जैसे ब्रेड दे दिया या कुछ हल्की फुल्की चीज़ दे दी, तो वो खाएगा क्या? क्योंकि सुबह तो उसने नींद में खाया नहीं, अब लंच में भी उसको कुछ हल्का फुल्का दिया, फिर 2 बजे आके मतलब उस टाइम तक लगा लो एक तरीके से बच्चा भूखा ही है। क्योंकि घर में अगर हमारे बच्चे होते हैं ना छुट्टी वाले दिन, आप खुद देखो 2 बजे तक कितनी चीज़ें खा लेते हैं वो। सुबह नाश्ता भी करते हैं, फिर उनका मुँह चलता रहता है, कभी कुछ चटर मटर खाते हैं, कभी कुछ एक्स्ट्रा खा लेते हैं, बट स्कूल में उन्हें सिर्फ वही मिलता है जो हम देते हैं, है ना। तो इस तरह से मेरा पोहा तैयार हो गया था। यहाँ पर मैंने इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाले थे, काजू वगैरह, और कान्हा को इसी टेस्ट का पसंद है, इसी तरह से उसके लिए मैंने बनाया है। और आलू रोल के लिए यहाँ पे मैंने पराठे बना लिए थे, ट्रायंगल शेप पे बनाए हैं। और इनको बना के फिर मैं इसमें जो मैंने सब्जी की स्टफिंग बनाई थी वो बनने के बाद इसमें फिल कर दूँगी और इसको रैप कर दूँगी। तो ये एक तरीके से आलू रैप ही है। तो यहाँ मैंने टिफ़िन में पोहा रख दिया था एक साइड और एक साइड रख दिया था उसका आलू रैप। इस तरह से आप बच्चों को सर्दियों में ना बहुत सब्जियों के ऑप्शन होते हैं, आप उनको भर भर के सब्जियाँ खिला सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसमें पनीर की जगह आलू यूज़ किया, आप पनीर भी यूज़ कर सकते हैं। सुनो जल्दी एक चीज दिखाऊं। एक लाख फॉलोवर हो गए तेरे? 100K। एक लाख ही तो हुए। मुझे इस पे 100K का ही गिफ्ट चाहिए, इतने नोट होगा। 100K का तेरा वो लाए थे केक, उसे कटवाए थे। तो क्या कर सको? 100K का? 100K के कुछ गोल्ड दिलाओ, है ना प्रिया? जितने के हो रहे हैं ना, जैसे 500 के हैं तो 500 के का गोल्ड, चलत विमान कुलाहुल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। ऐसा तो भी सही है भाई। आवाज से भी छोड़ ले। हट से कई बार दुश्मन में दिखा दे माई कौन जगह ये तो संतोष है युरासी है सब लाइफ वालों सब ने भी छोड़ मान ले सब दिख जाए और वो सब ठीक। तो ये है हमारे ससुर जी की बुआ और इनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था, इनसे मिलने गए थे हम इनके घर। बहुत टाइम से आई नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा भी बीमार रहने लगे, काफ़ी ज़्यादा मतलब उम्र हो गया ना इनकी। तो मिले थे इनसे और डीवा से पहले ये थी घर में बेटी, मतलब
ये हुई थी। फिर हमारे ससुर जी की तो कोई बहन थी नहीं, अभी हमारे जो हस्बैंड है उनकी कोई बहन नहीं है रियल, तो फिर उसके बाद डीवाई हुई है। तो इन तीन चार पीढ़ियों का गैप हो गया है, उसके बाद डीवाई है हमारे घर में, और आपने उसका वेलकम भी देखा था। तो बीवी थी जो पहले घर में बड़ी बेटी थी, उसके बाद ये हुई है। बाकी घर में बेटियाँ हैं बट सब कज़न्स हैं, बट हैं बिल्कुल रियल जैसे ही, जैसे कि आपको पता ही नहीं चलता वो रियल हैं या कज़न है, तो इसलिए तीन पीढ़ियों का गैप है। हम जा रहे हैं अपने लड़के देखने, मैंने कि ये तो फिर जब देखती रहूँ राष्ट्रीय ये भी अच्छा ये तेरे हुए हैं हैंड रहे हैं कहाँ रहे हैं ये तो बोलो क्या कर रहे हैं पहले आना पड़ेगा आधो बैठ पे इकट्ठा हो जाए ऐसे तो मेरे को याद होगा ना पर तारी बजे और वैसे हो सके और फिर भाभी तो वैसे भी हेयर टिप्स वगैरह स्किन की भी और मतलब अच्छी चीजें ही सिखा रही है सब चीज के बारे में तो होती है पेट बोल रिकॉर्ड कर रिकॉर्ड करो बता रहे भी मैंने बताया था भी समझा सो हम यहाँ पे रहे, शाम को आए, खाया पिया, डिनर विनर करके अब अपने घर जाने की तैयारी हो रही थी। और यहाँ पे कोई फंक्शन भी था तो बहुत सारे लोग मिले हैं, तो सबने प्रिया को देखा, किसी ने मुझे देखा था, पहचान लिया था, तो आ गए थे बहुत सारी लेडीज़ मिले। और जाते जाते भी काफ़ी सारी लेडीज़ गेट पे खड़ी हुई थी कि हम मिलेंगे, बट रात हो गई थी अंधेरे में नहीं, बट हाँ यहाँ पे शादी है तो फिर हम जल्दी ज़रूर मिलेंगे, और जो लोग रह गए थे उनसे ज़रूर मिलूंगी जब मैं शादी में आऊँगी। और अभी के लिए फ़िलहाल तो हम जा रहे हैं घर, और घर जाके एक हस्बैंड ने छोटा सा सरप्राइज़ प्लान कर रखा था, क्योंकि जैसे आपने देखा मेरे 100 के हुए थे तो उसी का सेलिब्रेशन था। बहुत सारे लोग हैं जिनको इस चीज़ से खुशी नहीं होती कि हाँ हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे 100 के हुए हैं, सो उनके लिए है कि ठीक है खुशी नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम अपने लिए तो सेलिब्रेट करेंगे ही, और अपनी फैमिली के लिए जो मुझे हर टाइम सपोर्ट करती है और हमेशा हमारे साथ रहते हैं, और जो सपोर्टर हैं उनके लिए थैंक यू। क्या लग रहा है?
बुला रहे अपनी बुआ ने जा रही है फिर करवा लो अपनी भाभी के पड़ोसी तो करवा गए तूने कह रही है अपना टेंट में बता किसने ने चॉकलेट दी ना भैया भैया ने दी भैया भैया ने दी है पैकेट के साथ लेनो शादी में सो यहाँ पे हमारा रसमलाई केक फर्स्ट टाइम हम ट्राई कर रहे हैं और यहाँ पे 100 के आना था वो रह गया अब यहाँ बैठ के मैंने कहा चलो केक ही काट ले अपने 100 केक का कहाँ पे है हमारे 100 केक बाबू मेरे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप पे चैनल है ना तो 100 के हो चुके हैं तो बता दे ऑडियंस से तुरंत फायर करना मेरे फेसबुक पेज ने कर लिए हैं अपने पहले 100 के लाख फॉलोवर्स 1 लाख फॉलोवर हो गए मेरे यूट्यूब फेसबुक पे चलो बताइए फेसबुक के भी मुझे बहुत ही काश फेसबुक पे भी हो जाए है ना धीरे धीरे हमने शुरू करा और चलो हो ही गए जिस तरह से अब मेरे को मुझे आशा है कि जल्दी ही मेरे 1 मिलियन हो चलो आमीन 100 मिलियन के लिए वही काटो कि टू टाइम खराब कर रहे हो तो अब ज़्यादा लेट ना करते हुए केक काट दिया जाए गाइस जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ना तो एक एक सब्सक्राइबर एक एक फॉलोअर बहुत ज़्यादा कीमती होता है बट कुछ लोग ऐसे होते हैं ना फॉलो करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं बल्कि उल्टा सीधा और करते हैं हमारे लिए है ना तो उन लोगों के साथ उन लोगों के लिए कोई सेलिब्रेशन बनता भी नहीं है बट जो लोग हमें फॉलो करते हैं जैसे कि आप सब की वजह से हमारे 100 के हुए हैं तो आप सब के लिए ही ये केक कट हुआ था और आज सब लोग इधर उधर थे शादी में गए हुए थे सो उसी दिन की थी ये क्लिप दीदी वगैरह शादी में बिजी थी तो आज मैंने खुद ही केक कट कर लिया था तो चलिए फिलहाल के लिए बाय बाय गुड नाइट टेक केयर अपना ध्यान रखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।